Hello everyone, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. अभी अभी ऑफिस आई हूँ, मम्मा मेरे पीछे पड़ गए हैं कि तुम मेरे साथ काम से चलो. जो काम वो मुझे अराउंड बहुत सारे महीने कह सकते हैं, महीनों से कह रही हैं कि कर लो और काम किसी और का नहीं है, काम मेरा ही है जो मैं कर नहीं रही हूँ. तो मम्मा मेरे पीछे पड़ी हैं आज बहुत गुस्से में और मुझे कह रही हैं कि चलो मेरे साथ चुपचाप, तो आज मुझे जाना पड़ेगा. तो बस चलते हैं मम्मा के साथ, देखते हैं क्या होता है. क्या हरकत है, क्या हरकत है, क्या हरकत है, क्या हरकत है. हम जा रहे हैं और ये नवाबजादे नीचे से तशरीफ लेके आ रहे हैं. तो ऐसी बात है, हम बिजी लोग हैं, आप लोग बिजी लोग हैं, घर पे नहीं होते, मैं ऑफिस से आई हूँ. चलो चलो मम्मा जल्दी आ जाए, जाए भी जाए, जाओ बेटा निकलो, चलो बाय. रोहन पे नहीं मारो, लग रही है. चलो बाय, ओके. मम्मा मुझे लेके जा रही है जबरदस्ती, कहाँ लेके जा रही है भाई? कहाँ लेके जा रही है? मम्मा ने बहुत सारे काम जमा किए हुए, तो वो आज सारे काम आपको पूरे करा. यार ये कोई मैं 2-3 महीने से ना कटा रही हूँ ये कामों को, और मम्मा आज मुझे पकड़ लिया है मम्मा ने कि आज तुम ऑफिस से आओगी और आते साथ तुम मुझे लेके जाओगी. और मम्मा मेरे आने से पहले रेडी बैठी हुई थी, सारे काम शाम रेडी करके, पता नहीं क्या क्या. हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमें सदर जाना है. सो बाय. 2000 years later. और आज सदर में इतना ज्यादा रश था कि हम लोग अटक गए. इतनी दफा तो हम अटके हैं, दूसरी दूसरी टर्न लेके आए, और यहाँ पे रास्ते पे मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे. मम्मा मेरी मम्मा की सही खुआरी कराई है आज, मतलब 2 दफा मुझे एक कट मिला और मैं गलत कट से निकल के आ गई. कितने घंटे हो गए मम्मा हमें? कुछ 4-5 घंटे हो गए मेरा ख्याल है. मतलब 4-5 घंटे से हम काम 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 के जा रहे हैं, कायदे आजम बन गए, काम काम और सिर्फ काम. घंटे सिर्फ 4-5 है, लेकिन काम कितने महीनों के? यार काम बहुत सारे महीनों के जमे हुए थे जब मम्मा मेरे पीछे पड़ी थी, कर लो इन्हें खत्म कर लो, तुम क्यों जमा करके बैठी रहती हो, तो आप आ गए हो. लेकिन अब मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो कुछ ठंडा वंडा, कोई पिज्जा शिज्जा कुछ तो खिलाएं. तो तुम्हारी तरफ से आज सब कुछ, पार्टी तुम्हारी तरफ से भी सही है. चलो मेरी तरफ से कोई मसले की बात नहीं है, आप बोले आपके लिए जान भी हाजिर है. सही है बेटे, पहले कुछ खिलाओ तो फिर उसके बाद घर जाके जान ले लेंगे. अम्मा ये क्या, एक तो खाओ भी और फिर बोले जान भी ले लेंगे. ये मम्मा थक गई ना सारे काम करके, आज सारे काम जो बहन भाई घर जाके फिर जान उसी में खर्च करवा लेंगे. सही है यार, सही है. तो बस अब मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ कुछ खाना पीना करने और मम्मा को लूटने. ओके. तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और हम काफ़ी देर से यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं, अभी इतनी देर हो गई है. जी बिल्कुल, इन सब की बस ठीक है, घर नहीं जाएंगे, इन सबसे पार्टी देंगे. बनाना शेक दो, दो बनाना शेक कर दें जी. गाड़ी में भिजवा दीजिएगा, सामने सिटी खड़ी हुई है, लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है. उसके बाद कहाँ जाएंगे मम्मा हम? क्या खिलाओ? खाना खिला दिया, आप क्या खिलाने? जहाँ आप लेके जाएंगे पिज्ज़ा खिलाने लेके जाए. वैसे मैंने सारे मम्मा को दे दिए हैं कि मम्मा उड़ाएँ, बस सीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं. गर्मी भी तो शुरू हो गई, मार्च महीने अभी शुरू हुआ है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार. गर्मी की शिद्दत देखो किस कदर से, धूप तो देखें बहुत ज्यादा है. अब हम ठंडा ठंडा शेक पियेंगे जैसे ही आता है. पता नहीं, मुझे तो लग रहा है सो गाड़ी नहीं मिलेगी हमारी, क्योंकि यहाँ पीछे हम गए तो पीछे किसी ने ठेला लगा दिया और रिक्शे वाले आके खड़े हो गए पीछे. पता नहीं अब उसको बेचारे को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी गाड़ी. मिल जाएगी वहाँ जाते. चलिए ठीक है, अब इसके बाद मम्मा क्या करेंगे? मम्मा आज कुछ नहीं करेंगी, आज सब कुछ आफरीन करेंगी. तो पैसे निकाले हैं ना मम्मा को ही दिए हैं, निकाल लिए तो बस चले. जब तक ये पैसे चलते रहेंगे तब तक हम दोनों चलते रहेंगे. नहीं बहुत सारे पैसे मम्मा, ज्यादा है फिर हमें हम कहीं और हैदराबाद ही निकल जाते हैं, फिर ऐसा करते घूम फिर के हैदराबाद को निकल जाते हैं. जब कराची आ गए तो फिर कराची में घूमेंगे. नहीं एज इन के पैसे इतने सारे हैं ना, खर्च कहाँ करेंगे हम, फिर शॉपिंग करनी पड़ेगी खाम खा. सही बात है, यहीं से कर लेंगे, कोई मसला नहीं. कौन सी शॉपिंग करनी है? जो आप करा दो. जो मैं करा दूँ, हिम्मत है अब चलने की? थक गई सुबह से, ऑफिस में थी फिर अभी इतना चले, बहुत थक गई, बिल्कुल एनर्जी नहीं है. तो इसीलिए बस खाना पीना ताकि एनर्जी थोड़ी रिवाइव हो, जिंदा फील करूँ मैं काम पे, क्योंकि मेरा
मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मुझे मज़ा ही सिर्फ खाने में आता है, मतलब मुझे खाना खिलाओ मैं खुश रहूँगी, खाना नहीं खिलाओगे मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैं चली जाऊँगी। मतलब आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैसे खुद खर्च करती हूँ, परेशान होने की बात नहीं है, जो भी सुन रही है। अभी खिड़की क्यों नहीं बंद हो रही? हो गई खिड़की बंद नहीं हो रही। ये तो ना मेरे मेरे ठंडा अभी तो मजे का लग रहा है। अभी घर आई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मम्मा ने जल्दी से चाय बनाई है, अभी मैं चाय पीऊँगी। और यशा भी आ चुकी है यूनिवर्सिटी से अपना पेपर देके, अगर मैंने उसकी तरफ कैमरा घुमाया तो वो मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं कैमरा उसकी तरफ नहीं करती, ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीखो पुकार मत जाइए। यशा दिखाऊँ? नहीं। रोहन फिर चला गया क्रिकेट खेलने, उसकी कोई खबर नहीं है कब आएगा कब जाएगा, मेरा ख्याल है 3 बजे से गया हुआ है। 5 बजे घर आई है ये लड़की, 5 बजे किसका पेपर ख़त्म होता है, सब समझ रहे हैं लोग। और ऐसे बच्चे कितने गंदे होते हैं जिनका पेपर 5 बजे खत्म होता है। खैर ऐसी बात नहीं है, मेरा पेपर 8:30 बजे भी खत्म हुआ है। तुम कितनी गंदी? मैं बहन को डिफेंड भी तो करना ना। एक सेकंड, तुम कितनी गंदी? मेरा पेपर शुरू ही 7 बजे हुआ था तो 8 बजे खत्म हुआ था। 8 बजे खत्म हुआ ना? 8 बजे? हाँ 8 बजे। कौन सी आपका पेपर? बहरिया यूनिवर्सिटी। ये पता नहीं कौन सी, हमारे यहाँ तो होता है भाई, हमारे यहाँ तो रात तो 8 बजे तक भी पेपर होता है। हम तो देखे आए, एक ही बार लगा, खैर अभी तक मेरी 4 साल ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन एक ही बार पेपर लगा है ऐसा मेरा कि जिसमें मुझे 8:30 बजे में जो है ना पेपर ख़त्म हुआ था। Why are you so stupid? I'm not stupid यार, मैं थक गई बहुत। तो मैं क्या नाचूं? टांगे दबाओ बहन की, टांगे दबाओ, आज बहन बहुत थक गई। यार पाँव बहुत दबाले, गला दबाने का मौका कम मिलेगा। पाँव कब दबाए तुमने? पाँव बहुत दबा लिए भाई, कब? गला दबाने का मौका मुझे तो नहीं याद पड़ता किसने मेरे पाँव दबाए। वैसे एक वीडियो है मेरे पास जिसमें रोहन मेरे पाँव दबा रहा है। अच्छा, और अगर आप लोग चाहें तो मम्मा के चश्मे बैठ गई, मम्मा का चश्मे का तोड़ दिया, मम्मा चश्मे तोड़ दिया आपके। चश्मा नहीं है उसमें, बदतमीज। अभी ऑफ कैमरा मारेगी, मुझे बचा लो। देखे रुके आप लोग, रुके मैं वेट कर रही हूँ, और भी कुछ तो ये निकाले ताकि फिर मैं इकट्ठा ही एक ही बार में। अच्छा तो मम्मा ये बना रही थी पुलाव, इसलिए मम्मा ने बाहर से खाना नहीं खाने दिया मुझे आज। मैं कह रही थी पिज्जा खाते हैं कुछ और खाते हैं, मम्मा ने बोला नो मैं पुलाव बनाऊंगी, तो खूबसूरत लग रही है ये। मम्मा तो जो बना ले वो कयामत, आपकी मोहब्बत है वरना क्या कह सकते हैं हम। ये आप ही का प्यारा आप ही को याद कर रहा है, अल्लाह खैर करे। क्या बात है, क्या हुआ भाई? मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ले लूँ तुम्हें और तुम्हें ऐसे ही तो ले लो मेरा यार। अभी रो देगी खामा का बच्ची बेचारी, छोड़ो यार ले लो जाइशा को। हाँ वो एक गंदी कह रही है जाइशा। मैं कबाब बना देती हूँ मम्मा को ताकि मम्मा जल्दी से फ्री हो जाएं, क्योंकि मम्मा भी आज पूरे दिन मेरे साथ बाहर ही थी तो मम्मा थक गई हैं, तो इसलिए अब मैं बनाऊँगी कबाब। तो मम्मा की पुलाव है रेडी। ओह माय गॉड मम्मा, ये यम्मी है यार, ये यम्मी है। हाँ और ये मम्मा की हेल्प के लिए मैंने कबाब सैलेड और रायता रेडी कर दिया है। थैंक यू आपके लिए। मम्मा इतना थकी हुई है, मैं थैंक यू आपकी। बहुत थक चुकी हैं मम्मा, रियली मम्मा बहुत थक चुकी हैं, अब बस सुबह। अब खाने की भी पता नहीं हिम्मत आई है। नहीं अभी अभी खिलाएंगे, मैं मम्मा को खिलाऊंगी, ठीक है। फाइनली इस वक्त हम लोगों के 1 महीने पूरे हो चुके हैं व्लॉगिंग के, और मोहतरमा आप कैसे महसूस कर रही हैं आज? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जाहिर सी बात है वो तो करेंगी, मेहनत मेरी है, अच्छा महसूस आप करेंगी? क्यों, मेहनत तो जाहिर सी बात है मेरी है। वैसे रोहन ने मम्मा ने बहुत साथ दिया है, मम्मी बेटी साइड पे। अगर ये लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी भी डेली व्लॉगिंग जो है नहीं कर सकती थी। ये बात तो मैं मानूंगा। फैमिली ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है, एंड और अब अगले महीने की तो सूरत हाल बताओ। आई हेट यू। अगले महीने की तो सूरत हाल बताओ। हाँ अगले महीने का क्या इरादा है? अगले महीने की यार देखे, मैंने ये कहा था कि मैं इस महीने जो है ना कम्प्लीट डेली व्लॉगिंग करूंगी, और अगर ये अच्छा रहा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा चमक, माशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह
भाई डेली व्लॉगिंग करने का मैंने अहद लिया था कि मैं इस महीने डेली व्लॉगिंग करूंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। पूरा मंथ करनी है, रोहान आ नहीं पा रहा, पूरा मंथ करनी है, लेकिन जो है मैंने पूरा प्रॉपर किया पूरा मंथ। अब जो है मैंने कहा था कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगी अगर अच्छा रहा तो। अब अच्छा रहा है मम्मा, आप क्या कहती हैं, आगे करना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मम्मा थक गई मेरी बेचारी, थक गई आज तो, वाकई थक गई, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह तुम्हारी इसी तरह मदद करते रहेंगे। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी है और मसलसल जद्दोजहद करती रहनी है, क्योंकि मेहनत से ही एज यू नो किसी मुकाम पर इंसान पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है मम्मा अपनी बेटी को जंग पे भेज रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। सबसे छोटा महीना उठाया है 28 days बस, तो मतलब ये देखे कारमा। ये मैंने इसलिए उठाया था भाई ताकि मैं इसको अच्छे से कर सकूं। वैसे तो 2 दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 दिन भी होते तो मैं कर लेती, पर मैंने फेब्रुअरी का बोला था तो फेब्रुअरी कंप्लीट किया ना, क्या बदतमीजी है ये, चलाकी करती है बंदी। मैंने कोई चलाकी नहीं की। बता दो आप ही को कि अब 28 दिन का कोई और महीना नहीं है साल। रोहान को तो लगता ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। रोहान मुझे रोज बोल रहा था कि आप ही, तुम तो तोड़ोगी स्ट्रिक, तुम रोज स्ट्रिक तोड़ोगी। ये नहीं बोलो कि मदद किसने कराई है, सारी मेहनत मेरी, सारे व्लॉग मैंने बनाए थे, इस बंदी ने कुछ ही नहीं किया। ये देखो अभी ये रो रही है, भाई ने मदद किया ना सारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा पूरा 1 month कम्प्लीट हो गया है डेली व्लॉगिंग का, मुझे बहुत ही खुशी है। और रोहान फिर आ गया है ब्लास्ट करने यहाँ पे, क्या मसला है भाई? अब ये भाषण देंगे नहीं, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, दे दो, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये मारती है मुझे, ये व्लॉग बनाने के बाद ना ये शख्स मारता है मुझे। मैं तो नहीं मारती, कौन मारता है, ये मारना होता है। हबीबी अब रोहान सबको बताएगा कि सबने क्या करना है। भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।